गांधी कुल का एक चिराग जिसके दादे परदादे माँ बाप सत्ता के शीर्ष पर रहे, क्या वह सत्ता से दूर रहने के बाद इतना बौखला गया है कि वह भारत के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है? उसका परदादा नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, उसके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उसकी माँ सोनिया गांधी 10 साल तक देश की सत्ता में सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में रही। लेकिन जब गांधी परिवार की इस रवायत में राहुल गांधी तशरीफ लाए तो बहुत कुछ बदल गया। That it would be Rahul versus Modi come the 2014 general elections. साल 2014 में पहली बार कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ी। कांग्रेस बुरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस का सूरज ढलान की ओर बढ़ने लगा। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. 5 साल बाद 2019 का चुनाव भी राहुल गांधी के ही चेहरे पर लड़ा। And after the crucial working committee meet on Sunday, Congress party has decided to pit Rahul Gandhi as its prime ministerial face for the 2019 polls. और राहुल गांधी फिर बुरी तरह से नाकामयाब हुए और नरेंद्र मोदी फिर दूसरी बार सत्ता में लौटे। India's Prime Minister Narendra Modi has secured a second 5-year term in the country's historic general election. मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार से 10 साल दूर रहने के बाद 2024 में कांग्रेस ने एक बड़े महागठबंधन को लीड किया और एक बार फिर 2024 में कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी को सौंपी और लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार राहुल गांधी कुछ खतरनाक बनकर उभरे, लेकिन उनके इस आक्रामकता में भारत के लिए खतरा छुपा है। क्या है वह खतरा? किसी भी देश की सरकार को बदलने के लिए दो तरीके हैं, दूसरा आगे बताऊंगा, लेकिन शुरुआत पहले से करते हैं। पहला तरीका है चुनाव लड़कर और उसमें बहुमत हासिल करके सरकार में आया जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चलता है तो वहाँ चुनाव जीतकर कोई भी सत्ता की कुर्सी तक पहुँच सकता है। वो चुनाव लड़कर विधायक से लेकर सांसद और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बन सकता है। अब चुनाव कैसे जीता जा सकता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि चुनावों में बहुमत हासिल करके, यानी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके। अब अगर राहुल गांधी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको बहुमत नहीं मिल पा रहा है, और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के पद पर लगातार तीसरी बार बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको बहुमत मिल पा रहा है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहले उनको वोट हासिल करने हैं, वो भी सबसे ज़्यादा, और ऐसा करने के लिए उनको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके खाते में ज़्यादा वोट आ सके। ये बहुत बेसिक सी समझ है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपने चुनावी कैंपेन में कुछ शब्दों को दोहराया, OBC, जाति, अल्पसंख्यक, ST, SC और जितनी आबादी उतना हक। He has said, जितनी आबादी उतना हक। One of the biggest controversies this election season is the pitch of wealth redistribution by Rahul Gandhi. 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग OPC समाज के हैं। इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है, बात समझ आई? जितनी आबादी उतना हक, यह नारा अपने आप ही विचित्र है। आपकी संख्या होना ही एकमात्र मानक है कि आपको कितना हक मिलेगा, यानी कितना हिस्सा मिलेगा। किसी की संख्या कम है लेकिन वो प्रतिभाशाली हैं और परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी संख्या के अनुपात में ही मिलेगा। लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा है, भले वो निठल्ले हों, लेकिन चूंकि वो संख्या में ज़्यादा है इसलिए उनके अनुपात में उनको ज़्यादा मिलेगा। जिनके पास ज़्यादा धन संपदा है उसका मतलब है कि वो लुटेरे हैं, और इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि कुछ गरीब किसी अमीर को लूटकर अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल गांधी और उनके इको यूट्यूबर्स का मोटा मोटी तर्क है। जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक, इन मुद्दों को राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया और आज भी उठा रहे हैं। मजे की बात है कि वो हिंदुओं को जाति में बांटकर संबोधित करते हैं, जैसे ST, SC, OBC, दलित, आदिवासी, लेकिन बाकी मजहब के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। उनको बस मुसलमान कहकर ही संबोधित किया जाता है। ऐसा आखिर क्यों किया जाता है, इसको गहराई से समझिए। भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है और इसका वोट बैंक हिंदू है। वो हिंदुत्व की बात करती है, मंदिर की बात करती है, इसलिए वो हिंदुओं का वोट हासिल करने में कामयाब रहती है, तो वो जीत जाती है क्योंकि वो देश में हिंदू तो बहुसंख्यक है। अब राहुल गांधी हिंदू नाम न लेकर उसकी जातियों की बात क्यों करते हैं, इसका राज इन आंकड़ों में छुपा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
79.8% हिंदू है यानी लगभग 80% और 14.2% मुसलमान है। तो अगर मुसलमानों को एक रखकर हिंदुओं का वोट लेना है तो हिंदुओं को तोड़ना पड़ेगा। हिंदू टूटेगा जाति के नाम पर, तब उसे कभी OBC, कभी SC, तो कभी ST के नाम पर संबोधित किया जाता है और उसकी आबादी का जिक्र किया जाता है, लेकिन मुसलमान को जाति के नाम पर नहीं बांटा जाता क्योंकि उसका वोट एक मुश्त लेना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 के मुताबिक हिंदुओं में 44% OBC हैं, 23% SC हैं और 10% ST हैं, यानी कुल मिलाकर होते हैं ये 70%। यानी हिंदुओं का 70% मुसलमान वोट बैंक से मिला दिया जाए तो आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। राहुल गांधी अगर जाति की राजनीति में इतने आक्रामक हैं तो इसके पीछे यही तर्क काम करता है, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटो, जातीय अस्मिता की राजनीति करो, आरक्षण की राजनीति करो, ताकि हिंदू कभी OBC तो कभी SC के नाम पर वोट करे, जिससे सीधा फायदा उनको ही हो। लेकिन मुसलमानों के मामले में या किसी अन्य मजहब के मामले में जाति का कार्ड नहीं खेला जाता, वहाँ सिर्फ धर्म का ही नाम लिया जाता है ताकि वो वोट बंट न जाए। वैसे आपको पता ही है मुसलमानों की वोटिंग टेक्टिकल होती है, वो एक ही जगह वोट देता है। लेकिन आप दर्शकों के मन में सवाल होगा कि भाई मुसलमानों के अंदर जाति होती ही नहीं है तो जाति के नाम पर उनके मामले में राजनीति कैसे होगी। मुसलमान समाज भी जातियों में बंटा हुआ है, इस बात को सुन लीजिए, लेकिन राहुल गांधी भूलकर भी उनका जिक्र नहीं करते। भारतीय मुसलमान मुख्यतः 3 जातीय समूहों में बंटा हुआ है, इन्हें अशराफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह है जिसके अंदर अलग अलग जातियाँ शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अरजाल को देखा जाता है। पत्रकारों की जाति पूछते राहुल, रैली में जाति पूछते राहुल, पूंजीपतियों की जाति पूछते राहुल, एक ऐसा ध्रुवीकरण अख्तियार करते नजर आए जैसे जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्मी है, पूंजीपति है, वह लुटेरा है और बाकी जातियों का हक मारकर बैठा है। यह समाज में तीखे टकराव की नींव है जो आगे चलकर कैसा भी रूप ले सकती है, क्योंकि एक समुदाय को दूसरे समुदाय की नज़र में दुश्मन बना दिया जाए तो हालात कैसे होंगे उन्हें अलग से बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पहला तरीका है सत्ता में पहुंचने का जो राहुल गांधी ने अपनाया है, और उनसे पहले जाति वाले कार्ड भी लगातार खेले जाते रहे हैं, केवल राहुल ने ही नहीं खेला है पहली बार। अब आते हैं दूसरे पर, सरकार बदलने का दूसरा तरीका है तख्ता पलट, यानी भीड़ जाकर PM आवास पर या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर दे और उन पर कब्जा कर ले तो सरकार को उखाड़कर फेंका जा सकता है, जैसा अभी बांग्लादेश में हुआ है। और उसके बाद भारत में मोदी को चेतावनी भी दी गई है कि आप ही तैयार हो जाइए, क्योंकि तानाशाहों के साथ तो ऐसा ही होता है। इस तरह चुनी सरकार को जब वो चुनाव लड़कर नहीं हटा सकते तो अराजकता का सहारा लेकर हमला करके हटाया जाता है। इसके लिए विदेशी शक्तियों की भी सहायता लेनी पड़ी तो कोई गुरेज नहीं किया जाता है। अभी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और वहाँ से कैसे मंजर सामने आए वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उस तख्ता पलट का सच हमारे सामने निकल कर आया है, और ये कहा जाता है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। हालांकि अमेरिका ने इसे डिनाई किया है, लेकिन विदेशी मामलों के जानकारों का यही मानना है कि अमेरिका की गतिविधियों से ये स्पष्ट पता चलता है कि यह अमेरिका की ही कारस्तानी है। अब हम भारत के संबंध में इस बात को जोड़कर देखते हैं। भारत के तमाम पड़ोसी देशों में अस्थिरता है, केवल भारत में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव और सरकार चल रही है, लेकिन बाकी देशों में कुछ न कुछ हो रहा है। अब विदेशी ताकतों के निशाने पर भारत है और जोर सोरस जैसे लोग भारत की सरकार को हिलाने के लिए बेशुमार पैसे बहा रहा है। किसी भी देश की सरकार गिराने में दूसरा तरीका है वहाँ गृह युद्ध की कंडीशन पैदा कर दो, जनता को आपस में ही लड़ा दो। कहीं जनता गरीबी अमीरी के नाम पर लड़ती है तो कहीं धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। भारत के अंदर ऐसे तीखे ध्रुवीकरण यूं ही पैदा नहीं किए जा रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। बार बार जाति का सवाल, पूंजीपतियों का सवाल, इन सब बहसों को ऊपर तक जोड़कर देख सकते हैं तो आपको तस्वीरें स्पष्ट नजर आएंगी। अब जनता बैठे बैठाए तो PM आवास पर हमला करेगी नहीं, संस्थाओं पर कब्जा करेगी नहीं, तो प्रधानमंत्री को विलेन बनाओ, उसको पूंजीपतियों का हितेशी दिखाओ, धना सेठों का दोस्त बनाओ, फिर उसके खिलाफ और नफरत धरने के लिए उसको तानाशाह बनाओ। यह टूल किट अमेरिका से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर भारत तक एक ही काम कर रही है। So Donald Trump has vowed to be a dictator on day one if re-elected. शेख हसीना को भी तानाशाह बताया गया, अमेरिका में भी तानाशाह का डर दिखाया जा रहा है और भारत में भी 2024 का चुनाव इस बहस में ही निकल गया कि मोदी तानाशाह है। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? मोदी को भी तानाशाह बताया जा रहा है, और बांग्लादेश के बाद मोदी को सावधान किया जा रहा है कि तानाशाहों के साथ ऐसा ही होता है और वह सही है।
यानी तानाशाह कहकर वहां की जनता को भड़काओ और भीड़ द्वारा किसी काम को क्रांति बताकर जस्टिफाई करो। यह सब एक खास सोच के साथ किया जाता है, यानी चुनावों में न जीत सको तो सरकार को जबरन उखाड़ फेंकने का धरातल तैयार करो। भारत में वे गत सालों के आंदोलनों को गौर से देखेंगे तो उनमें छुपा हुआ संदेश आपको स्पष्ट नजर आएगा। राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव यही है, वो जाति और आबादी का कार्ड खुलकर खेल रहे हैं और वो मोदी को तानाशाह कह रहे हैं, वो इस सरकार को अडानी सरकार कह रहे हैं और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तरकीब भी जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। अडानी सरकार चल रही है, आपकी बातचीत का लब लुआब था। तो लोकतांत्रिक देश में आप एक वोटिंग के जरिए सरकारें बदल सकते हैं, तो मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइडियाज है मेरे पास नहीं तो कुछ अगर शेयर कर पाए कि ये नहीं, शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं। टाइम आएगा तो दिखाएंगे अडानी सरकार कैसे बदली जाती है। लेकिन चुनावों से एक साल पहले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अमेरिका को भारत में इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. अमेरिका के इंटरवीन का मतलब क्या है? बांग्लादेश के हालातों के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका के हस्तक्षेप का मतलब आखिर होता क्या है और राहुल गांधी का मतलब था क्या। हमने शुरुआत में जो कहा था राहुल गांधी क्या थ्रेट के रूप में उभर रहे हैं, इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। इन तथ्यों को गौर से समझिए और अपना निष्कर्ष निकालिए। मेरा काम आपके सामने तथ्य और तथ्यों के पीछे छुपे नैरेटिव को बताना है। इसके बाद आपका काम बचता है कि आप इस संदेश को कैसे पहुंचाएंगे, आप इस वीडियो पर कमेंट कैसे करेंगे, वो काम आपका है। आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा काम है आपके सामने सही सूचना, सही नैरेटिव और सही जानकारी पहुंचाना। उसके बाद आप उसको किस तरह से लेते हैं ये आपका काम है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम दूरी ऊर्जा से इस काम को करते जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।